स्टॉक जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा। और दोस्तों, आपने देखा ही होगा इस समय जब मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और बड़े बड़े दिग्गज गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ शानदार स्टॉक जो हैं वो ऐसे भी हैं जिनमें इस समय बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है वो देखी जा सकती है। तो इसी प्रकार का एक और दिग्गज शेयर है जिसका नाम है बाटा इंडिया। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो बाटा इंडिया में बनती हुई दिख रही है। आज है 7 मार्च जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और दोस्तों यदि मैं देखूं इसकी जो प्रीवियस ट्रेडेड प्राइस थी जहां पर ये बंद हुआ था वो थी 1527 रुपये, जहां पर ये ट्रेड करता हुआ मुझे दिख रहा है। और दोस्तों, मंथली टाइम फ्रेम पर देखिए कितना अच्छा खासा ये शेयर जो है वो हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो इसी प्रकार के शेयर जो हैं हमें लॉन्ग टर्म में लेने चाहिए और बहुत अच्छा खासा मुनाफा ये हमें बनाकर देने वाले हैं। और लो रिस्क के शेयर जो हैं वो ये होते हैं, मतलब इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम होता है। दोस्तों, मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्ट्रांगली सपोर्ट जो है वो बना हुआ है 1435 रुपये पर, और ये ऊपर ही ऊपर जाने की कोशिश अब ये करने वाला है। दोस्तों, यदि हम वीकली चार्ट की बात करते हैं तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर भी 100% एक वीकली कैंडल जो है ग्रीन बुलिश कैंडल बनती हुई दिख रही है, और इसका स्ट्रांगली सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम पर बना हुआ है 1439 रुपये का, जहाँ पर आप ज़रूर एक स्टॉप लॉस लगा कर काम कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसके डेली चार्ट की तो दोस्तों देखिए डेली चार्ट भी 100% बुलिश हमें शो हो रहा है और लगातार ग्रीन कैंडल्स बनती हुई हमें दिख रही हैं, और डेली टाइम फ्रेम पर भी स्ट्रांगली सपोर्ट जो है वो बना हुआ है 1438 रुपये का। यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस चाहें तो लगाकर काम कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों हम इसके कैंडल्स स्टिक की बात करें या कहें तो चार्ट की बात करें तो चार्ट बेसिस पर 100% ये शेयर खरा उतरता है और बुलिश संकेत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यदि हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो ये देखिए फंडामेंटल्स भी इसके काबिल तारीफ़ हैं। यदि हम बात करें इनके रेवेन्यूज़ की तो सितंबर और दिसंबर की रेवेन्यू की बात करें तो दुगने रफ्तार से रेवेन्यू जो है बढ़ती जा रही है। ये देखिए सितंबर में इनकी रेवेन्यू थी 367 करोड़ रुपीज़ की, जो कि इस बार दिसंबर में बढ़कर हो गई 615 करोड़ रुपीज़। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वो देखी जा सकती है। टोटल इनकम भी इजाफा दिखा रही है दोस्तों, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में इन्हें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों, यदि बात करें नेट प्रॉफिट की तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी इनका इजाफा साफ देखा जा सकता है। और देखिए अब देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी कमाल के हैं। प्रमोटर्स ने देखिए लगातार जो है माल उठाया हुआ है और अपना जो होल्डिंग है वो बरकरार रखे हुए हैं प्रमोटर्स, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है किसी भी शेयर के लिए। और देखिए दोस्तों, यदि हम FIIs की बात करें तो देखिए FIIs ने भी माल उठाना इसमें चालू कर दिया है। सितंबर की बात करें तो 4.69% होल्डिंग थी, जो कि दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर हो जाती है 5.55%, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सजेशन की। तो हमारे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल आपको इस शेयर को टारगेट करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में इसको अभी ऐड कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा मुनाफा ये बनाकर देने वाला है। लेकिन यदि मैं बात करूं इसके टारगेट की दोस्तों, तो पहला टारगेट जो इसका होने वाला है वो होने वाला है 1750 रुपये। जी दोस्तों, जल्द ही आपको ये 1750 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखने वाला है। तो दोस्तों यही बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाई थी। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार के जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगे, जो भी लेटेस्ट शेयर्स होंगे, हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। दोस्तों आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपको किस शेयर पर जो है न्यूज़ चाहिए। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।